हेलो गाइस हाउ आर यू आर वेलकम इन साइंस क्लास इन लास्ट वीडियो वी कम्प्लीटेड फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन डेवलप डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल अब हम इस लेसन का लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहले हम हेल्थ की डेफिनेशन देखना है ये आप पहले भी नाइन्थ में पढ़ चुके हैं WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज यानी कि कोई भी पर्सन फिजिकली मेंटली और सोशली तरीके से अगर वो हेल्दी है और नॉट मेरली यानी केवल उस डिजीज ना हो यही जरूरी नहीं है तो ये हेल्थ कहलाती है रिपोडक्टिव हेल्थ अब आता है रिपोर्डक्टिव हेल्थ एनश्योर ए रेस्पॉन्बल से हम पढ़ेंगे कम्प्लीट हो यानी मैराइटल लाइफ जिसको कह सकते हैं इट ऑल्सो इंक्लूड द एबिलिटी टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि इस रिपोडक्टिव हेल्थ में Uh, हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिनको एस कहते हैं उनको प्रिवेंट करने या कंट्रोल करने की एबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं या इसको इन्वॉल्व किया गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एंड ऑल्सो टू मैनेज डिसऑर्डर्स कंसर्न विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम और साथ में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में uh, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड के management के तरीके को भी हम स्टडी करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अब हम पढ़ेंगे डिजीज होती है जो कि सेक्सुअली uh, इंटरकोर्स या कह सकते हैं कि sexually, sexual से जो एक डिजीज पर्सन से ये जब uh, इन्फेक्शन दूसरे पर्सन पर हेल्दी uh, पर्सन तक पहुंचता है इसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के जैसे कि गोनोरिया सिफिलिस ये बैक्टीरिया से होने वाली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है इसके अलावा हेपेटाइटिस बी जिनाइटल हर्पीज जिनाइटल वर्ड्स ट्राइकोमोनियसिस ये सब और एड्स ये सभी वायरस से होने वाली सॉरी ये प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज है और बाकी सब ये आरएनए से सॉरी वायरस से होने वाली डिजीज है एड्स के बारे में एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशंसी सिंड्रोम और ये एच वायरस के थ्रू इन्फेक्टेड होता है यानी स्प्रेड होता है और इस एच वायरस का फुल नेम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशेंसी वायरस तो ये दो डिजीज गोनोरिया और सिफ़िलिस ये बैक्टीरियल डिजीज है एसटीडीज के एग्जाम्पल है ये भी और बाकी सब ट्राइकोमोनियलिसिस के सब ये प्रोटोजोअ डिजीज है और बाकी सब वायरस डिजीज है अब आता है मेजर्स बट कंट्रोल मेजर्स यानी कि बर्थ कंट्रोल को कैसे बर्थ को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है तो बर्थ कंट्रोल मेजर्स इसको हम आ, हम कह सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या कॉन्ट्रासेप्शन कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है बर्थ को कंट्रोल करना तो बर्थ को कंट्रोल करने के कुछ मेथड्स हैं फर्स्ट है मैकेनिकल मेथड नेक्स्ट आता है केमिकल मेथड्स फिर सर्जिकल मेथड्स और नेक्स्ट हम नेचुरल मेथड्स तो हम थ्री सब मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट है मैकेनिकल मैकेनिकल मेथड्स। मेथड्स इसमें फिजिकल स्ट्रक्चर्स विच प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी इन जो मैकेनिकल मेथड है इसमें कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि गैमिट्स के फर्टिलाइजेशन को और प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं इसमें सबसे पहले आता है कंडोम कंडोम एक ये रबर या प्लास्टिक की शीट होती है यानी से पहले इसे पैनिस पर लगाया जाता है दिस प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय प्रिवेंटिंग डिपोजिशन ऑफ स्पर्म्स इन द वेजाइना यानी ये फीमेल की वेजाइना में स्पर्म्स के डिपोजिशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है तो इस तरह से ये प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है दूसरा फिजिकल जो सॉरी मैकेनिकल मेथड या फिजिकल मेथड भी कह सकते हैं वो है डायफ्राम या सर्वाइकल कैप्स ये फीमेल के लिए होता है एंड चेक द चेक मीन्स कंट्रोल चेक द एंट्री ऑफ स्पर्म्स इन यूट्रस यानी ये फीमेल की वेजाइना में फिट किए जाते हैं ये डायफ्रॉम्स या सर्वाइकल कैप और इन इसके थ्रू स्पर्म्स इस की एंट्री, एंट्री को यूट्रस में प्रिवेंट किया जाता है नेक्स्ट आता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आईयूडीज बोलते हैं जैसे कि टी लूप्स आर फिटेड इन यूट्रस एंड प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स एग और इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। यानी कि ये इंट्रा यूटिलाइन डिवाइसेस में कॉपरटी लूप्स ये आते हैं जो कि इनको फीमेल के यूट्रस में फिट किया जाता है जो कि फर्टिलाइजेशन को एग के फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करती है और साथ ही इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन को कंट्रोल करती है रोकती है तो ये तो था मैकेनिकल मैथड बर्थ कंट्रोल का नेक्स्ट आता है केमिकल मैथड्स केमिकल मैथड में फर्स्ट है स्पर्मासाइडल टेबलेट्स कुछ ऐसे टैबलेट्स होती हैं जैसे स्पर्मिसाइडल नाम से पता चल रहा है यानी स्पर्म्स को किल करने वाली टैबलेट्स होती हैं या क्रीम्स होती हैं या पेस्ट होते हैं आर इंट्रोड्यूस इन वेजाइना बिफोर कॉपुलेशन यानी कॉपुलेशन से पहले इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है वेजाइना में फीमेल की वेजाइना में और ये स्पर्म्स को किल कर देते हैं दीज किल द स्पर्म्स दीज कंटेन स्पर्मासाइडल केमिकल्स यानी इनमें कुछ स्पर्माइडिकल साइडल केमिकल्स uh, होते हैं जिनमें जिसमें आ, जैसे कि जिंक सल्फेट या पोटेशियम पर जो कि स्प को किल करने में हेल्प करते हैं नेक्स्ट केमिकल मेथड आता है आता है कंबाइंड बर्थ कंट्रोल पिल्स लाइक मालाडी सहेली एक्सेट्रा कुछ पिल्स आती हैं, ये आ टेकन ओरली जिनको कि ओरली लिया जाता है मुंह के थ्रू लिया जाता है दिस कंटेन सिंथेटिको प्रोजेस्टाइन्स यानी कि ये प्रोजेस्टाइन होते हैं प्रोजेस्टोन हार्मोन से बनते हैं फ्रॉम द ओवरी और ये क्या करते हैं ये ओवरी से ओवम को रिलीज होने को रोकते हैं ओव्यूलेशन जिसको कहते हैं ओव्यूलेशन को कंट्रोल करते हैं तो ये था केमिकल मैथड अब आता है सर्जिकल मैथड्स दीज आर परमानेंट मैथड ऑफ स्टेलाइजेशन एग्जाम्पल ये परमानेंट मेथड होते हैं और इसमें मेन दो आपके बुक में दिए हुए हैं वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी ये मेल में सर्जिकल मेथड है विच इन्वॉल्व कटिंग ऑफ वास डेफरेंस यानी इसमें जो मेल है उसकी वास डेफरेंस को के छोटे थो, से पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है और या फिर उसमें कट लगाकर उसको uh, किसी रिंग uh, से या रबर से टाई कर दिया जाता है इसे कहते हैं वैसेक्टोमी ये वास डेफरेंस से बना है वासेक्टोमी नेक्स्ट आता है ट्यूबेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी ये फेलोपियन ट्यूब से बना है ट्यूबेक्टोमी इसमें क्या कि इस ये फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में कटिंग इन्वॉल्व होता है इन्वॉल्व्स कटिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स ऑफ फीमेल फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब है उसको उसके कुछ पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है या उसमें कट लगाकर उसको बाइंड कर दिया जाता है टाई कर दिया जाता है इसके अलावा और भी मेथड है जैसे कि एक और है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एम या इसे कहते हैं अबॉर्शन विच इन्वॉल्व इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फीटर्स बिकम्स वाइएबल यानी फीटस के डेवलपमेंट से पहले ही फीटस को uh, एक तरह से टर्मिनेट कर दिया जाता है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है इसे अबॉर्शन कहा जाता है नेचुरल मेथड की जरूरत नहीं है केवल ये थ्री मेथड्स मेन आपके दिए हुए हैं और इसके हम डायग्राम अगर हम देखें तो आप ये देखिए ये कुछ डायग्राम दिखाए हुए हैं जैसे ये कंडोम फॉर मेल ये कंडोम फॉर फीमेल जो कि फीमेल की, की वेजाइना में पुट किया जाता है ये टी का डायग्राम है जिसको कि फीमेल के यूट्रस में इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये मेन मेथड ये का दिखाया हुआ है ये मेल में आप देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है जिसमें कि ये जो वास डेफरेंस है उसको बीच में से कट कर दिया है और दोनों पोर्शन में वास डेफरेंस टाइट एंड कट कर, कट कर करके उनको टाई कर दिया गया है जिससे कि जो स्पम्प्स टेस्टीज में बने हैं वो स्पम्प्स वास से आगे नहीं पहुंच पाएंगे जिससे अगर आगे नहीं पहुंच पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो ये प्रोसेस है वैसेक्टोमी नेक्स्ट ये ट्यूबेक्टोमी प्रोसेस ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है जिसमें कि ये ओवरीज हैं और ओवरी से जब ओवम रिलीज होता है जिसको ओवुलेशन कहते हैं तो ये ओवम ये ये फेलोपियन ट्यूब है फेलोपियन ट्यूब में आता है तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड की फेलोपियन ट्यूब को कट करके और उनको भी टाई कर दिया गया है फेलोपियन ट्यूब्स टाइड एंड कट कट कर दिया जाता है जिससे कि जो ओवम है वो आगे पास नहीं हो पाता है जिससे कि फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाता है इस तरह से ये थे बर्थ कंट्रोल के मेजर्स जिनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी कहा जाता है तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट डे मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी थैंक यू